बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, झटपट कलेजी फ्राई करने का आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर मज़े से खाएंगे। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और इसका तरीका भी आपको पसंद आएगा। आसान सा है और सस्ता सा है, इसमें कोई ज़्यादा अजार लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हसबे ज़रूरत जो किचन में अजार मौजूद होते हैं हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। नाज़रीन, एक पाव आप कलेजी लेंगे, एक अदद हरी मिर्च लेंगे, एक चम्मच आप भुना हुआ ज़ीरा ले लेंगे। भुना हुआ ज़ीरा मैंने इस तरह बनाया है कि तवे पर मैंने ज़ीरे को भून लिया है और फिर उसको मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तकरीबन ये ज़्यादा पाउडर नहीं बना हुआ। एक चम्मच आपने भुना हुआ ज़ीरा लेना है, एक चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, आधा चाय का चम्मच आपने खुश धनिया लेना है कुटा हुआ, आधा चाय का चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है और हसबे ज़रूरत आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है, और आखिरी चीज़ जो है आपने इसमें सिरका को ऐड करना है। आइए नाज़रीन, इसको मैं बताती हूँ आपने कैसे तैयार करना है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम कलेजी को एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच सिरका ऐड करेंगे, अंदाजे के मुताबिक मैं डाल रही हूँ। तकरीबन एक चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। हरी मिर्च ऐड करूँगी, ज़ीरा भुना हुआ ऐड करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, खुश्क धनिया कूटा हुआ, काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हम बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट नाज़रीन तकरीबन हो गए हैं। नमक हमने इसलिए ऐड नहीं किया, अगर हम नमक अब डाल लेंगे तो कलेजी बिल्कुल सख्त हो जाएगी। जब हाफ फ्राई हो जाएगी कलेजी, उसके बाद हम नमक ऐड कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। 2 खाने के चम्मच आप ऑयल ले लेंगे। 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है, अब हम इसको गरम कर लेंगे अच्छे से और फिर इसमें हम कलेजी को ऐड कर लेंगे। आंच हम नॉर्मल ही रखेंगे। फटाफट कलेजी बनाने का आसान सा तरीका है ये, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कलेजी को ऐड करेंगे। Thank you.
नाजिन हल्का सा हम इसको कवर कर लेंगे। कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, बस इसको भूनते रहेंगे, ये गल जाएगी खुद ही। कलेजी को आप मज़ीद छोटे टुकड़ों में अगर आप काटना चाहें भी काट सकते हैं, मैंने नहीं काटा, ये नॉर्मल साइज़ के टुकड़े ही रहने दिए हैं मैंने। आप इसको मज़ीद चॉप करना चाहें भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। ऐसे ही हमने इसको फ्राई करते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से। तकरीबन ये हाफ फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, आप जितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहें आप डाल सकते हैं उसी मुनासबत से। जब तक ये गल नहीं जाती हम इसको भूनते रहेंगे। दस मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी, उसके बाद ये गल जाएगी बिल्कुल।